गाली देना, गंदे शब्द इस्तेमाल करना, इसको डिफरेंट वर्ड्स कौन से हैं इंग्लिश में, ये तो एज अ वोकैबुलरी पार्ट हम लोग सीखने वाले हैं इस वीडियो में। लेकिन एक मेरी कंसर्न भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया में मैंने आज पढ़ा। आप लोग सुनो और आपका ओपिनियन पक्का मुझे कमेंट करके बताओ। सभी स्टूडेंट्स को ये पूछना चाहता हूँ कि भाई गाली देना, बकवास बातें करना कॉलेज में, कॉलेज कैंपस में या स्कूल में, ये कहाँ का कूल हो गया है भाई? अभी आज टाइम्स ऑफ इंडिया में ये एक हेडलाइन आई है टाइम्स स्पेशल में कि एफ़ वर्ड्स और बी वर्ड्स जो है वो काफ़ी इंक्रीज हो रहे हैं कॉलेज में और स्कूलों में, और जो टीन्स है यानी जो बच्चे हैं 16, 17, 18 साल के, उनको लगता है कि वो काफ़ी कूल बात कर रहे हैं। ये कहाँ से कूल हो गया भाई? बहुत सारे प्रिंसिपल का ओपिनियन आया है कि 95% उन्होंने देखा, 95% टीचर्स का ये मानना है कि हाँ बहुत बच्चे अभी गाली दे रहे हैं, गंदी बातें कर रहे हैं और उनको एकदम नॉर्मल बात कर रहे हैं, ऐसा वो फील करते या दिखावा कर रहे हैं। कि जैसे ये सब चलता है आजकल, ये जनरेशन जा कहाँ रही है? जो भी OTT प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे जो शोज आ रहे हैं उसमें ये गंदी बातें एकदम नेचुरली हो रही है, प्लस बहुत सारे स्टैंडिंग कॉमेडियंस हैं वो भी गाली गलौज और बहुत सारे जेनिटल्स की बातें कर रहे हैं, और हमारी जो यंग जनरेशन है उसको वो काफ़ी कूल लग रहा है और वही वो स्कूल में और कैंपस में इस्तेमाल कर रहे हैं। और बहुत सारे टीचर्स, प्रिंसिपल, उन्होंने ये काफ़ी डरावनी बात हो रही है, काफ़ी ख़राब बात हो रही है, ये सबका वो ओपिनियन है। आज के टाइम्स में जो हेडलाइन है वो मैं हेडलाइन आपको बताता हूँ कि यूज़ ऑफ एप्स एंड बीज, use of F means F words and B means B words is rising on campus and teen find it cool. कहाँ का cool हो गया भाई? ये जो गंदी बातें हैं इनके लिए बहुत सारे शब्द है डिक्शनरी में, वो शब्द मैं आपको बता रहा हूँ। शब्द बताना ये तो हमारा काम ही है कि भाई हमारी वोकैबुलरी इम्प्रूव होनी चाहिए, लेकिन उसके पीछे जो मैं बात और कंसर्न आपके पास और पेरेंट्स के पास पहुँचाना चाहता हूँ कि भाई गाली देना, गंदी बातें करना, गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल करना, ये अगर यंग जनरेशन को कूल लगता है तो मेरे ख्याल से हम लोग गलत रास्ते पे है। इट इज़ बिकॉज इफ़ यू आर यूजिंग बैड लैंग्वेज, फाउल लैंग्वेज, थ्रेटनिंग लैंग्वेज, बुलिंग लैंग्वेज, प्रोफेन लैंग्वेज, दीज बैड वर्ड्स, इफ यू फील इट इज कूल, देन आई थिंक समवेयर वी आर गोइंग इन रॉन्ग डायरेक्शन। सो टुडे दो आई वॉन्टेड टू टेल यू द डिफरेंट वर्ड्स फॉर बैड लैंग्वेज, फाउल लैंग्वेज, प्रोफेन लैंग्वेज, देन थ्रेटनिंग लैंग्वेज, बुलिंग लैंग्वेज, दीज आर द कॉमन सिनोनिम्स फॉर वन बैड वर्ड, बट I also wanted to raise my concern to all the parents, and as a father also I am also worried about that if such foul language, bad language, use of bad language is something very cool for the young generation, then I think we are in wrong direction. Actually, the young generation should be concerned about the different challenges that they would be facing once they become professional. And instead of that, if we are finding it very cool to use the bad language throughout your school campus, maybe in front of, and there are some startling statements by the teachers also that in front of the teachers even the girls are using the bad language, and it is, I mean, for my generation it is beyond the imagination that the girls are using the bad language and bad words in school campus. Even they are referring to each other like gay and lesbian. So what kind of coolness is this of this young generation? I think we all should think about it. I hope that you have understood the different words for the bad words. Besides that, you also came to know about my concern as a father as well as a teacher. Please believe in yourself and stop using bad language. Good luck. Thank you.